स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन और कमाल की वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। आज हमारी जो पेशकश रहने वाली है जियो एयर फाइबर के ऊपर बेस्ड है, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप जियो एयर फाइबर के कनेक्शन जो है वो आप अपने घर में लगवाना चाहते हैं, आपके यहाँ इंटरनेट का इशू है और आपके यहाँ नेटवर्क जो है वो बहुत ही कम आता है, तो इस कारण में आप सभी जियो एयर फाइबर के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ही बेहतरीन है। साथ ही में इसके साथ साथ क्या क्या देखने को मिलते हैं अभी यहाँ पर आपके बगल में देखने को मिलेगा। आज हमारे पास जो जियो एयर फाइबर है वो फाइनली आ चुका है, और साथ साथ आज की इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल संपूर्ण सामग्री दिखाने वाले, आखिर में क्या कैसे होता है और जो एयर फाइबर है वो कितने का आता है और इसका जो टोटल जो प्राइस है वो कितना पड़ जाता है। जैसे इसको आप लगवाते हैं, टोटल लगवाने के बाद रिचार्ज करने के बाद 100 Mbps का जो प्लान आता है वो कितना होता है, साथ ही में इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले वीडियो को पूरी शुरुआत करने से पहले, अगर आप हमारे YouTube चैनल सबका डिफरेंस पर विजिट कर लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर आप सभी को ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने को मिलती रहती है। फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला जियो एयर फाइबर के ऊपर है, तो जियो एयर फाइबर से सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जियो एयर फाइबर लगवाने से पहले अगर आप सभी का एरिया जो है बहुत ही ज़्यादा आउट एरिया है, जो कि आप सभी का नेटवर्क जो आता है, जी हाँ नेटवर्क, जैसे कि अभी आपके एरिया पे 4G है, तो आप इसके बारे में सोचिए ही मत, बिल्कुल भी मत सोचिए। अगर आपके पास मोबाइल 5G है और आपका नेटवर्क भी 5G आ रहा है, तो इस केस में आप जियो एयर फाइबर के लिए एक बार अप्लाई कर सकते हैं। अपने माई जियो एप्लीकेशन पर जाकर न्यू ऑप्शन आया है जहां पर जियो एयर फाइबर को आप किसी भी जगह रहते हैं अपना एड्रेस वगैरह डाल लेकर वहां पर आप इसको कर सकते हैं, और आपके नज़दीकी जो सेलर होंगे वो वहां पर आपको कॉल करके कॉन्टैक्ट करने वाले हैं। देन उसके बाद से आप सभी को जो ये इसकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो बुक होगी, बुक होने के बाद से आपको जो ये प्रोडक्ट है ये पहुँचेगा, जो कि जो आपके पास कॉल करेंगे उनके पास, देन वो आपके घर में आएंगे, इसको संभल करके पूरा लगाएंगे, देन उसके बाद स्पीड वगैरह सब कुछ टेस्ट की जाती है। स्पीड वगैरह टेस्ट करने से पहले एक बात और आपको मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये ज़्यादातर जो इसमें होता है जिससे कि नेटवर्क एरिया जिससे क्षमता को मापा जाता है, जो कि आप सभी के एरिया में अगर 5 से ज़्यादा अगर नेटवर्क एरिया पॉइंट आ रहा है, अगर 10 से 15 के नेटवर्क पॉइंट बीच में आ रहा है होता है, तो इससे जिससे आपका नेटवर्क जो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन स्पीड मिलेगी। अगर वही केस में अगर आप है तो उसमें आप सभी को जो स्पीड है वो बहुत ही बेकार देखने को मिलेगी, और इसकी जो इस टाइम पे सर्विस भी है थोड़ा बहुत धीमी चल रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस टाइम पे इसको बुक कर रहे हैं। और जैसे कि मैं ग्रामीण इलाके से विजिट करता हूँ, यहाँ पर हमें इसकी जो प्राइस टोटली पड़ी है लगवा कर जो इसकी प्राइस पड़ी है वो 7,350 रुपीज़ पड़ी है, जो कि 7300 लगभग पड़ी है, ठीक है। 7300 में हमारा जो कंप्लीट असेंबल हो चुका है, और मैं चलिए आपको टूर कराता हूँ जो अपना हमारा जो एयर फाइबर है, साथ ही इसके साथ एयर एक सेट टॉप बॉक्स मिलता है 1000 रुपये। अगर आप सेट टॉप बॉक्स को 1000 रुपये नहीं अगर नहीं लेना चाहते तो 1000 रुपये आपका लेस कर दिया जाएगा, जी हाँ आपको लगभग 6300 रुपये का प्लान पड़ेगा पूरा मिला के, लगभग 6 महीने के प्लान के साथ हमारा जो मैंने परचेज किया है 6 महीने का प्लान, और जो 100 Mbps का जो ये नेटवर्क की क्षमता कैपेसिटी है उसे आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मैं अपना पूरा टूर दिखाता हूँ, साथ ही इसके साथ साथ जो भी चीज़ मिले उनकी अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ सबसे पहले, और पूरी जानकारी बताता हूँ ये कैसे होता है, क्या कैसे किया जाता है, जो कि आपका घर है उस घर को आप गूगल मैप के थ्रू वो नेटवर्क जो एरिया रहता है उसको कैसे किया जाता है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। वैसे भी आपका जो टाइम है मैंने कुछ जानकारी जो कि ईजी वेज की जानकारी थी जो मैंने आपको बताने में 3 मिनट का समय लिया, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने जियो एयर फाइबर का जो बॉक्स है उसको अनबॉक्स करता हूँ। यहाँ पर आप सभी के सामने जो इसका नॉट फॉर सेल अभी लिखा हुआ है, ये सेल के लिए नहीं है, बाकी यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, और इसका जो मॉडल नंबर है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, विथ लव फ्रॉम जियो, ये जियो का प्यार है जो दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, और ये सारी जानकारी जो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फिर साइड आप इसको पोस्ट करके यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं, जो कि डुअल DAN जो सपोर्टर है, अल्ट्रा लो लॉइजनेस कैंसिलेशन यहाँ पर मिलता है, और बहुत ज़्यादा 4x स्पीड यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो ये सब कुछ ऊपर साइड तो लिखा गया है, बाकी मैं यूज़ करके मैं आपको बताऊँगा कि क्या कुछ सही है, क्या कितना है, कैसे चलता है, सारी जानकारी मैं दिखाने वाला। फिलहाल अभी यहाँ पर देख सकते हो मैं शुरू करता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, जैसे कि सेट टॉप बॉक्स, ये बॉक्स हमारा जो है ये जो एयर फाइबर है जो कुछ इस प्रकार से देखने को
मिल जाएगा। ये यहाँ पर देख सकते हो, मैंने इसको इसको यहाँ पर कट करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सही से आपको इसको अनबॉक्स करने के लिए सिंपली मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले इसको कट कर लेंगे, ये कट हो चुका है। चलिए मैं बॉक्स को ओपन करता हूँ। सिंपल, सबसे पहले बॉक्स यहाँ पर इस तरीके से निकाल लेना होगा। रिलायंस तरफ से आता है जियो एयर फाइबर, जो कि जियो और रिलायंस बात एक ही है, और आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। जो मेरा बॉक्स कुछ इस प्रकार से निकल कर सामने आ जाता है, जो कि जियो एयर फाइबर है, और इसके साथ में हमारे सामने क्या क्या देखने को मिलेगा इसके साथ बॉक्स के अंदर, तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हो जियो एयर फाइबर तरफ से एक यूज़र मैनुअल जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि यूज़र गाइड है, जो यहाँ पर आपसे बताया जाएगा क्या कैसे आपको कनेक्शन है, जो कि वाईफाई कनेक्शन किस तरीके से आपको यहाँ पर करना होगा, सारा कुछ यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पर बताया गया है, और किस तरीके से आपको कनेक्शन करना है। इसे आप खुद भी कनेक्शन कर सकते हो, बाकी इसका जो कनेक्शन तो आप कर लोगे, बाकी एक्टिवेट करने के लिए आपको इंजीनियर की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर जो इसका पीछे का डिब्बा है वो कुछ इस प्रकार देख सकते हो, जो कि स्टैंड बोल सकते हैं, यहाँ पर आप इसको स्टैंड कर सकते हैं। किस तरीके से स्टैंड होगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और जिसका 12 एम्पियर का जो एडाप्टर है 3.5 एम्पियर का, ये भी कुछ इस प्रकार देखने मिल जाएगा। और इसको लगाने की बात करते हैं, कुछ इस तरीके से आप इसे एग्जर्ट कर सकते हैं, जब ये लग जाएगा, लग जाने के बाद से आप सभी का जो ये वायर है और काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं लगता, लगभग 1.5 मीटर ये आपको देखने को मिलेगा। और चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। सबसे पहले जियो का जो ब्रांडिंग लोगो है काफ़ी वाइट है, और काफ़ी गोल्डन व सिल्वर वाइट कह सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन जो है इसके जो लोगो लग रहा है वो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। जी हाँ, तो चलिए मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। सिंपली आप सभी की स्क्रीन पर ही दिखाता हूँ क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है इसके सामने। और फ्रंट में रेड और ग्रीन का जो एक जो लाइट है वो देखने को मिलेगी, साथ में फोर जो टाइप है यहाँ पर LNA का लगाने को मिलता है, जो कि LNA केबल होती है, और कुछ एक यहाँ पर USB जैक भी लगा सकते हैं इसमें, और बाकी आपको एक 12 वोल्ट एडाप्टर जो है, जो कि 3.5 एम्पियर का जो मिलता है, उसको लगाने के लिए एक स्लॉट दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर अगर बात करते हैं इसके सेट टॉप बॉक्स की, तो इसके सेट टॉप बॉक्स में प्रिपेयर वीडियो एक पूरी बनाऊंगा। आप सभी हमारे YouTube चैनल पर इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है थोड़ा ज़्यादा लंबा है, क्योंकि इसमें आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से एक्टिवेट करना है, कैसे क्या करना है। पूरी जानकारी पाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो या हमारे YouTube चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब आ चुका हूं मैं अपने छत पे। तो सबसे पहले छत पे आने के बाद मेरा जो जियो का नेटवर्क टावर है आपके स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारे घर से 70 मीटर की स्ट्रेंथ पर लगभग ये देखने को मिलता है, लगभग 70 से 150 मीटर के एरिया में ये रहता है। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरा घर पे जो वाईफाई जियो एयर फाइबर का जो ऊपर वाला लगता है, जो कि नेटवर्क कनेक्शन के लिए, जो ये कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाएगा आपकी स्क्रीन पर। ये पूरा बेहतरीन क्वालिटी में है, और अभी यहाँ पर आपके स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर जो मेरा जियो एयर फाइबर है, मैंने इसको लगा दिया। आप इसे किधर का भी जिधर से आपका नेटवर्क है उधर इसको आप मूव कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पर इसको वॉल माउंट कर दिया, क्योंकि ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने उसने अपने वॉल से हटकर इसको मैं पीछे साइड लगवाया हूँ, और ताकि मुझे कैमरे में भी फिलहाल इसको रिकॉर्डिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए मैंने सेल्फी स्टिक के थ्रू यहाँ पर वीडियो बनाया। और यहाँ पर आपको 2 लाइट मिल जाएंगी, जो कि नाइट में आपको देखने को मिलेगा, ये ब्लॉक करती रहती है। अगर बात करते इसके बॉडी के बारे में, हार्ड प्लास्टिक बॉडी भी देखने को मिलेगा, और काफ़ी बेहतरीन है हार्ड प्लास्टिक बॉडी के साथ, ये वाटरप्रूफ होता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है एक तरीके से, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी कार्बन वगैरह नहीं आने की संभावना है। और ये बारिश पे भी फिलहाल मैं इसका एक्सपीरियंस भी बताऊंगा, और यहाँ पर देख सकते हो मैं इजीली इसको अपने हाथ से फिलहाल मैं अप डाउन कर ले रहा हूँ, फिलहाल इसको मैंने सेटअप कर रखा है, और इसका जो वायर वगैरह है थोड़ा सा 1 मीटर मैंने ऊपर साइड ही छोड़ दिया, ताकि कभी भी जब आपका घर प्लास्टर वगैरह हो, इसे आप अपने हिसाब से स्टड जहाँ भी आपको ले जाना हो कर सकते हैं। देख सकते हैं मेरे सामने जस्ट ही ये आपका जो टावर है। सबसे पहले बात आपको ये नोट करनी होगी, जो कि आपका टावर होगा, आप अपना जो नेटवर्क टावर है उसके सामने ही इसका मुंह रहेगा। जी हाँ, उसका ऑन फ्रंट इसको रखना होगा, तभी जाकर आपका जो नेटवर्क है वो आपको बनेगा बहुत ही अच्छी तरीके से, नेटवर्क आप पड़ेगा। चलिए हम नीचे की तरफ आप ले चलते हैं। देख सकते हैं मेरा वायर जो है कुछ इस प्रकार से जो है आया हुआ है नीचे छत पर से, और यहाँ पर देख सकते हो जो मेरा जियो एयर फाइबर है, मैंने अपने इसको फर्स्ट ऑफ ग्राउंड पर लगवाया, यानी फर्स्ट फ्लोर पर इसको मैंने लगवा रखा है। और ये देख सकते हो मेरा जियो एयर फाइबर है, काफ़ी बेहतरीन है, और ये वर्किंग स्थिति में है, वर्किंग फॉर्म में है। और ये भी यहाँ पर ऊपर साइड देख सकते हो, मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करना भूल ही गया, अनबॉक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले इसका जो ऊपर साइड है इसका तो अनबॉक्स करने के लिए भूल ही गया, तो चलिए इसको मैं ऊपर से यहाँ पर सिंपली निकाल लेता हूँ, क्योंकि हीट प्रोड्यूस करता है जिसके कारण इसमें समस्या आ सकती है, तो ये चिपक भी सकता है, तो मैं निकाल देता हूँ सिंपली, क्योंकि ये सभी चीज़ रिमूवल चीज़ हैं जिसको निकालना ज़रूरी रहता है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा वाईफाई है कुछ इस प्रकार से चल रहा है, मैं आपको इसको सही तरीके से दिखाना चाहूँगा। जो मेरा यहाँ पर वाईफाई के साथ जो एडाप्टर लगा है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कुल मिलाकर यहाँ पर हमने इस पर इसको यूज़ कर निकालना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है, इस तरीके से यहाँ पर आप इसको रिमूव कर सकते हो,
और फिर से आप कुछ इस प्रकार से आपको पहले सीधे लगाना होगा और हल्का सा आपको प्रेस कर देना होगा पीछे तरफ, ये इंस्टेंट फिर से वही स्थिति पर लग जाने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे लगाने और निकालने में ज़्यादा समस्या नहीं होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 112 वोल्ट है और 5 एम्पियर लगने वाले, लगभग कुल मिलाकर जो है टोटल आपको 40 वाट का जो इलेक्ट्रिसिटी वो लेती है, यानी अब्जॉर्ब करता है 40 वाट की इलेक्ट्रिसिटी से, ज़रूरी है इसको यूज करने के लिए। तो चलिए आपको मैं आपको टेस्टिंग करता हूँ कितने की स्पीड आ रही है नेटवर्क मोबाइल में। तो चलिए आपको स्पीड टेस्टिंग करके आपको एक बार दिखा देते हैं। तो आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। मैं सबसे पहले अपने वाईफाई जो मोबाइल का जो वाईफाई उसे ऑन कर लेता हूँ और मैं ओकला और गूगल की जो टेस्टिंग है दोनों से मैं करके आपको दिखाने वाला हूँ फिलहाल में। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सभी देख सकते हो जो मेरा डिवाइस है, और सबसे पहले अपने आप गूगल पे चलते हैं, स्पीड टेस्ट को हम यहाँ पर सर्च करते हैं। जी हाँ, स्पीड टेस्ट लिख देते हैं और अभी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा स्पीड टेस्ट ये आ गया। चलिए ये जो पहले ऊपर वाला आया है इसको हम स्पीड एक बार टेस्ट करते हैं। ठीक है, स्पीड टेस्ट मैंने रनिंग के लिए स्टार्ट कर दिया, इंटरनेट स्पीड टेस्ट जो है वो हो रही है। और मेरा जो प्लान है वो आपको याद होना चाहिए कि मेरा प्लान 100 Mbps वाला है, तो उसके हिसाब से जो मेरे स्पीड टेस्ट अभी दिया है, अपलोड डाउनलोडिंग की स्पीड जो आई है वो 85 Mbps आई है। ठीक है, तो 85 Mbps अब डाउनलोडिंग है और देखते हैं अपलोडिंग की कितनी। 59 जो है अपलोडिंग जो है आई है और अब डाउनलोडिंग जो है 85 आई है। तो ये रहा इंटरनेट वाला जो गूगल स्पीड है इसकी है बात, ये पूरा आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो दोनों स्पीड में। चलिए आपको टेस्ट करा देता हूँ। अब चलते हैं ओकला की स्पीड टेस्ट करके देखते हैं, जो कि यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा ओकला स्पीड टेस्ट। तो मैं यहाँ पर जो कंटिन्यू टू वेब पे क्लिक करता हूँ, गोनो पे टैप कर देता हूँ, गोनो पे जैसे टैप किया और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरी ट्रैकिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। और अभी थोड़ा सा वेट करना होगा और अभी यहाँ पर देख सकते हो स्टार्ट हो चुकी है। और आपको याद होना चाहिए कि उसकी 89 थी और इसमें देखते हैं क्या बताता है। अभी आप सभी देख सकते हैं जो मेरा स्पीड टेस्ट है वो हो रहा है और साथ साथ यहाँ पर 90, जी हाँ लगभग एक्यूरेट है, दोनों बराबर है। और जो ओकला है और जो मेरा पहले वाला इंटरनेट स्पीड था, जी हाँ बिल्कुल बराबर सी है और पिंग में थोड़ा फ़र्क है, बाकी सब कुछ सेम है। देख सकते हो कुछ इस प्रकार से 90 Mbps जो है देखने को मिल जाए 90 Mbps काफ़ी अच्छी बात है, 100 का मेरा प्लान है। तो इस तरीके से कुल मिला के ये जो पूरा सेटिंग रहती है इस तरीके से काम करता है। आप इस तरीके से इसको घर में आप लगवा सकते हैं। अगर आपको लगवाना हो तो आप माई जियो ऐप में जाकर इसको आप फाइबर को बुक कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में अवेलेबल है तो आपको तुरंत से 2-3 घंटे में कॉल आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।